इज्जत बनाने में कई साल लग जाते हैं और गंवाने में बस कुछ पल। इसलिए वो काम कभी मत करो जिससे तुम्हारी इज्जत पर कुछ बात आए, ना ही चंद रुपए के लिए इज्जत जाने दो। इज्जत और दौलत में फर्क सिर्फ इतना है कि दौलत भीख मांगने से भी मिल जाती है, पर इज्जत कमानी पड़ती है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। देखो यार, सफलता चलकर नहीं आती, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान ने हर पक्षी के लिए भोजन तो दिया है पर उसके घोंसले में नहीं। मुझे भी कहा था सबने कि पूरे ना होंगे कभी तेरे सपने, बस खड़े रहे साथ मेरे कुछ अपने, लोग देख मेरी सक्सेस लगे खपने। ये चाचा, ये चाची, ये मामा, ये मामी, इन रिश्तेदारों को मेरी दूर से सलामी, निकाली इन्होंने बस खामी खामी पे खामी, नहीं मिली देखने को कामयाबी। करामात नहीं, किस्मत नहीं, यह मेहनत जो मैंने दिन रात करी। कभी थका नहीं, कभी झुका नहीं, चौड़ा कर सीना जो भी दिल किया बात करी। कोशिश लाख करी तब जाके बात बनी, औरों की तरह ना मेरा बाप धनी, आजकल लगने लगे मेरी बातों के आगे लोगों की बातें सो फनी। अपने सपनों के लिए मैंने स्कूल को छोड़ा, अपने दिल को तोड़ा, खुद से मेहनत को जोड़ा, पसीना खून है निचोड़ा, मैंने खुद को झिंझोड़ा, आगे बढ़ा थोड़ा थोड़ा, मौका कोई नहीं छोड़ा, हर बात मेरी जैसे लोहे पे हथौड़ा, रेस लगे तो सबसे आगे मेरा घोड़ा, मेरे कंधों पे है जिम्मेदारी बहुत सारी, ना होने दो जो मेरी आंखों को सदा भारी, मेरे काम आई बस मेरी कलाकारी, मौका मिलता सभी को आती सबकी है बारी, किताबें नहीं मैंने लाइफ को पढ़ा है, तभी आज मैं अपने पैरों पे खड़ा है, मुझे लगता है मेरा सोचना इस पूरे आसमान से भी काफी बड़ा है। दोस्तों, जितना एक मूर्ख व्यक्ति किसी बुद्धिमान भरे जवाब से नहीं सीख सकता, उससे कहीं ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति एक मूर्खतापूर्ण सवाल से सीख सकता है। हमेशा खुश रहो पर कभी संतुष्ट मत रहो, क्योंकि अगर तुम संतुष्ट हुए तो आगे की चीजों को पाने की इच्छा खत्म हो जाएगी। और जो चीज तुम करने की सोचते हो वो बात कभी रिवील मत होने दो। बुद्धिमानी इसी में है कि इसे रहस्य बनाकर रखो, लोगों को बस अपना परिणाम दिखाओ। जैसे शरारती बच्चों के लिए मक्खियां होती है, वैसे ही देवताओं के लिए हम होते हैं, वो अपने मनोरंजन के लिए हमें मारते हैं। कम से कम ये खुशी तो सही, तू मेरे ख्वाब का हिस्सा सही, है बस उनसे शिकायत यही, कहनी थी जो बात नहीं कही, गूंजती है अब भी कानों में बात जो तुमने नहीं कही, नाव लिए हम बैठे ही रहे और नदी दूर से बहती रही, उम्र गुजरी गुनगुनाते हुए वो गजल जो अधूरी रही। उल्फत बदल गई कभी नियत बदल गई, खुद गर्ज जब हुए तो फिर सीरत बदल गई। कुछ लोग अपना कसूर दूसरों पर डालकर ये सोचते हैं कि उनकी हकीकत बदल गई। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना कभी ना भूलें। ऐसी ही बेहतरीन अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से, जिसका नाम है अनडिस्कवर्ड ट्रूथ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।